तो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम सब जो इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं वो जानने के लिए कि बिहार पुलिस का रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है और इसका रिजल्ट कब आएगा, सारी जानकारी और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो YouTube पे बने रहिए और स्किप करके मत देखिए। नहीं, अगर वैसे आपको इच्छा नहीं हो तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ वही स्टूडेंट टिकेंगे जो जानकारी लेने के लिए सक्षम होंगे और एकदम चाहते होंगे कि कब मेरा रिजल्ट आए। तो दोस्तों बने रहिए ये वीडियो के एंड तक और देखते हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा और क्यों इसमें देरी हो रहा है बिहार पुलिस का रिजल्ट में। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सब जान रहे हैं कि कोरोना के कारण सारा चीज अभी बैक चल रहा है, कोरोना के कारण पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम हुआ था मार्च में हुआ था, 14 मार्च और लगभग 21 मार्च के आसपास इसका एग्जाम हुआ था। तो इतना दिनों होने के बाद भी लगभग लगभग 4-5 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्या रीजन है, आखिर क्या कारण है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। और वैसे स्टूडेंट जिनका लग रहा है कि मेरा अंक या आपका अंक मार्कर का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपका अंक कितना है, 70+ है या 65 के भी आसपास है, 65 के भी आसपास है, तो आप फिजिकल में अभी से लग जाइए। या लग गए हैं तो और अच्छी बात है कि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि आपका रिजल्ट जो निकलेगा तो आपको समय नहीं दिया जाएगा उसमें कि आप रनिंग अच्छा से करिए, जब आपका रनिंग हो जाएगा उसके बाद हम आपको बुलाएंगे, दौड़ आके बस देखेंगे आप पास हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि थर्ड कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि ये आने वाला है। तो इसीलिए अगर इस बीच में रिजल्ट आ जाता है तो आपका फिजिकल जो है क्या होगा कि तुरंत 10-15 दिन के अंदर में करवा के क्लियर कर लेगा। तो इसीलिए आप सब रनिंग में तो थोड़ा भी नहीं चूकिए, क्योंकि खुद सोचिए आपका एग्जाम निकल जाएगा और रनिंग में आप चूक जाइएगा, क्या कभी खुद को माफ कर पाइएगा? इतना मेहनत से पढ़े लेकिन हम दौड़ने में पीछे रह गए। और जो फिजिकल है ये एक दिन में नहीं बनता है दोस्तों, फिजिकल के लिए आपको समय देना पड़ता है। क्या है फिजिकल के के लिए आपको समय देना पड़ता है, तो फिजिकल की तैयारी में तो आप लग जाइए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट में देरी। तो कोरोना तो अब रिजल्ट में देरी, अब कोरोना को साइड रखिए। देखिए रिजल्ट में देरी का मेन रीजन है कि बीच में लॉकडाउन पड़ गया, सरकार जितने भी ऑफिसर जो चेक करने वाले सब थे सब छुट्टी पे चला गया। और अक्सर यूट्यूबर को हम देखते हैं कि बस ये महीना के लास्ट में आ गया, 20 तारीख को आ गया, 30 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तैयार रहे सब लोग। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है तो वो आपको सरासर झूठ बता रहा है। क्या है कि सरासर झूठ बता रहा है, रिजल्ट आएगा तो आप सबको खुद पता चल जाएगा, अगर पता नहीं भी चला तो उसका कुछ ना कुछ डेट आगे क्लियर जरूर करेगा। जैसा कि इस महीना के जो अभी इस महीना के अंत तक आने की पूरी संभावना है, महीना के अंत तक क्या है, महीना के अंत तक आने की संभावना है। अब हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आ ही जाएगा, गारंटी है, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं संभावना है। क्या है, संभावना है। तो जितने भी स्टूडेंट का इतना नंबर है भाई फिजिकल में लग जाओ, उसमें कोई माना मानी नहीं, क्योंकि इसमें आएगा और तुरंत आपको दौड़ा लिया जाएगा, तो फिजिकल आपका क्लियर करवा लिया जाएगा। तो क्योंकि इसका थर्ड वेव आने वाला है, अगर मान लीजिए कि इस बीच आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्या होगा कि इस बीच आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो थर्ड वेव जो आ जाएगा तो समझिए तब पर भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तब उसके बाद थर्ड वेव के बाद ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है। अगर इस बीच में आ गया तो अच्छा है कि आपका फिजिकल सब भी अच्छा तैयारी कर लेते हैं तो निकल जाएगा, और जो स्टूडेंट को अगर मान लीजिए नहीं हो पाया तो भी अपना भाई
तैयारी में तो लगे हैं और अच्छा से लग जाएंगे, इधर का टेंशन दूर हो जाएगा कि चलो अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब अगला बार हमें लेना है। जो स्टूडेंट को अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी हिम्मत मत हारिएगा, अगला बार एक टारगेट लेके चलिएगा कि अगला बार हमें क्लियर करना है। और जो स्टूडेंट को इस बार हो गया तो समझ जाइएगा कि इस बार हमें एक सीट लेना है, दौड़ने में भरी मिली जान क्यों ना चले जाए लेकिन एक सीट लेना है। तो दोस्तों ऐसा जुनून के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं फिजिकल के लिए, स्टडी के लिए, तो आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। छः महीना से एक साल आप अच्छा से मेहनत करिए ना, कोई भी चीज़ हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप स्टडी में ही इतना दिन मेहनत करते हैं तो सफल हो जाइएगा, कोई भी क्षेत्र हो, आप कोई भी क्षेत्र में अगर इतना मेहनत करते हैं छः महीना से एक साल के अंदर, तो उस क्षेत्र में आप सफल होंगे। भले वो सिंगिंग हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई लिखाई हो, आपका बिजनेस हो, जो भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी क्षेत्र में है, आप सफल होइएगा। तो जान गए क्यों देरी हो रहा है, और अगर इस बीच में नहीं आया तो और भी समय लग सकता है। आप देखिए फालतू के वीडियो पे मत जाइए, बहुत सारे ऐसा यूट्यूबर हैं जो हमेशा अपना व्यूज़ के लिए, वॉच टाइम के लिए, अरे क्या मजाक बना के रख दिए स्टूडेंट का, क्या वैसे फेरा में नहीं पड़िए। आप हमेशा किसी एक को फॉलो करिए, और को भी फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, उसको फॉलो करिए जो सटीक न्यूज़ देता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें फॉलो करिए, जो आपको लगे कि हाँ मेरे हिसाब से ये अच्छा न्यूज़ दे रहा है, मेरा जो न्यूज़ है वो सही सही बता रहा है, तो आप उनको फॉलो करिए। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए जय हिंद। अगर कुछ बातें बताना है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, हम वहाँ से आपको जवाब दे देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए जय हिंद।